कल लखनऊ लोकसभा सीट से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। हजारों की भीड़ राजनाथ के रथ के साथ नजर आई। राजनाथ सिंह लखनऊ से जीत की हैट्रिक लगा सकते हैं। राजनाथ सिंह ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत में कमल खिलने का दावा किया। इंडिया टीवी से राजनाथ सिंह ने आरक्षण से लेकर राजपूत समाज की नाराजगी जैसे मुद्दों पर बात की। देखिए उनका ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं विशाल प्रताप सिंह और मेरे साथ खास मेहमान हैं देश के रक्षा मंत्री और लोकसभा लखनऊ से बीजेपी के उम्मीदवार राजनाथ सिंह जी। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, पूरे देश भर में आप प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी का दावा है इस बार की 400 पार, क्या वाकई में 400 पार हो रहा है इस बार? हम इस लक्ष्य को हासिल करेंगे, क्योंकि जनता का जिस प्रकार से समर्थन प्राप्त हो रहा है उसको देखते हुए हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। और मैं सारे देश में कैंपेन इस समय कर रहा हूं, वहां भी जन सामान्य का जो समर्थन हम लोगों को प्राप्त हो रहा है उससे लगता है कि देश की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बननी चाहिए और पहले की अपेक्षा अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को अथवा एनडीए को ये प्राप्त होनी चाहिए। और बहुत सोच समझ कर ही हम लोगों ने 400 पार का लक्ष्य निर्धारित किया है, इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन हुआ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो वोटिंग की शुरुआत हुई, आप लोग 80 में 80 नहीं पाएंगे। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का भी गठबंधन इसके पहले हो चुका है और इस बार भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। तो पहले भी चुनाव परिणाम आप देख चुके हैं गठबंधन होने के बावजूद, तो इसका कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि आप समझिए उत्तर प्रदेश में लगभग 56-57% जनता का सीधा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त था और इस बार तो और अधिक वो बढ़ने वाला है। सर, आइडियोलॉजी या इलेक्शन मैनेजमेंट बीजेपी के? इलेक्शन मैनेजमेंट का भी इतना ही रोल होता है कि ताकि सभी कार्यकर्ता जनता से अपील करें, उनके पास जाएं, संपर्क करें, जो कुछ भी अब तक हमारी सरकार ने किया है उससे लोगों को अवगत कराएं और साथ ही ये इस बात के लिए उन्हें प्रेरित करें कि वो आकर अपना मतदान करें। आप लोग का फोकस इस बार दक्षिण में बहुत ज्यादा है, क्या उत्तर भारत में बीजेपी दक्षिण में भी जहां एक भी सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त नहीं होती थी, इस बार अच्छी खासी सीटें वहां पर बीजेपी को प्राप्त होंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर, क्योंकि मैं तमिलनाडु भी गया था, केरल भी गया था, सारे दक्षिण भारत के राज्यों में गया था, तेलंगाना भी गया था, आंध्र प्रदेश भी गया था, बहुत ही शानदार सफलता मिलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत माहौल बनाया गया, कहा गया कि राजपूत वोटर्स बहुत ज्यादा नाराज हैं। कुछ नहीं, बेबुनियाद हजार आरोप है। कभी किसी चुनाव में कहते हैं ब्राह्मण नाराज है, किसी चुनाव में कहते हैं कि पिछड़ा वर्ग नाराज है, किसी चुनाव में कहेंगे ठाकुर नाराज है, कहीं कायस्थ नाराज है, सब सारी चीजें चलती रहती है। आरक्षण पर सर पार्टी की राय क्या है, किसको लेकर? आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। राहुल गांधी सर अपोनेंट के तौर पर क्या आप लोगों के लिए ज्यादा मुफीद साबित होते हैं? आप अक्सर बयान देते हैं राहुल गांधी के खिलाफ। नहीं, मैं अक्सर बयान नहीं देता, बयान देने की कोई जरूरत भी नहीं है। विपक्ष का कोई और लीडर होता तो ज्यादा आप लोगों के लिए चुनौती होती क्या सर? विपक्ष में कोई और लीडर होता राहुल गांधी के बजाय तो कोई और चुनौती आप लोग के लिए होती? नहीं, कोई भी होता तो उसे मैं चुनौती नहीं मानता हूं। और क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अद्भुत है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री रहते उन्होंने काम किया है और बहुत सारी स्कीम्स जो चलाई हैं बिना किसी भेदभाव के सबको उसका लाभ दिया है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, कहीं किसी प्रकार का कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं हुआ है। ये तो विपक्ष के द्वारा हम लोगों को अनावश्यक बदनाम करने की कोशिश की जाती है, ये आवाज जनता की समझ में आ रही है। नरेंद्र मोदी सर कहते हैं कि 2047 तक की बात हम सोच रहे हैं, पार्टी भी इसी विजन के साथ? बिल्कुल इसी विजन के साथ 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाना है, इस विश्व के एक विकसित देश के रूप में भारत खड़ा हो, ये हम लोग का प्रयत्न है और उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अमेठी और रायबरेली में सभी तो कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं आया, किस तरीके सर अमेठी और रायबरेली को आप लोग देखते हैं, क्योंकि चर्चा थी कि रॉबर्ट वाड्रा? अमेठी रायबरेली में कोई भी कैंडिडेट आए भारतीय जनता पार्टी वहां जीतेगी, इसके पहले भी राहुल गांधी भी वहां चुनाव हार चुके हैं अमेठी से। अगर आप लोग की सर सरकार आती है तो देश के रक्षा मंत्री होने के नाते आपकी सर क्या उपलब्धियां होंगी, किस तरीके से आपका विजन होगा आगे का? नहीं, विजन होगा जब सरकार बनेगी तो उसके बाद वो तय करेंगे, लेकिन भारत को एक सशक्त भारत बनाना, और भारत को सशक्त भारत बनाना चाहते हैं तो किसी देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं, बल्कि सभी के साथ भारत अपने को सुरक्षित रख सके इसलिए जो है भारत को सशक्त भारत बनाना चाहते हैं। मेरा आखिरी सवाल सर, कल लखनऊ में आपने नामांकन किया, नामांकन में जबरदस्त भीड़ थी, विपक्ष कह रहा है ये तो मैनेज्ड भीड़ थी।
पता नहीं, अब आप लोग स्वयं ही बताइए मैनेज थी कि क्या थी, क्योंकि समाज के सभी वर्गों का इस तरीके से आना सामान्य ऐसा नहीं होता है। चेहरा बतला देता है कि ये लोग मैनेज करके लाए गए हैं, कैसे लाए गए हों। तो कल जनता का चेहरा आप लोगों ने रीड किया होगा, तो स्वयं ही आप लोगों को अंदाज़ लगाओ कितना उत्साह था उनके अंदर, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुझे भी स्वयं कल्पना नहीं थी कि लोगों का इस सीमा तक आशीर्वाद मुझे प्राप्त। 5 लाख पार विक्ट्री का जो मार्जिन होगा वो होगा लखनऊ में इस बार? अब देखिए तो जनता के हाथ में है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा मैन राजीव राय और मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।